पर्चे बताएं। नाम जुबैदा। कहाँ की रहने वाली हैं? बनारस जलालीपुरा। अभी कहाँ रह रही हैं? अभी सतपोखरी में। कितने साल से हैं यहाँ? यहाँ 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। हाँ। क्या करते हैं आप लोग? क्या करेंगे, दुखा मजूरी करते हैं। दुखा मजूरी। हाँ। कितने परिवार हैं आपके साथ? अभी तो सर इधर उधर है, एक लड़का है, हम रान बेवा हैं जी, कोई सहारा नहीं है। तो आपको सरकारी सुविधा नहीं उपलब्ध होती? कुछ नहीं मिलता है। आप 20 साल से यहाँ हैं? हाँ। आपको कोई विधवा पेंशन वगैरह नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जाके पता कर लीजिएगा। अच्छा, तो प्रधान को आपने कभी लिख के दिया नहीं आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह? हाँ, बहुत दौड़ारी किया, बहुत किया, दोनों प्रधान के लंग गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं, गरीब को मैंने कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ इस समय जनता कर्फ्यू चल रही है, इस समय किस तरीके से आप लोग दो वक्त की रोटी जुटा पा रही है? दिन भर से ही हम लोग रहते हैं, रात के यही है कि किसी का ढेर खाना पक गया, एक थो रोटी दे दो, पानी पी लिया जाए, वो भी कहे कलप रही ने, वो भी कलप रही ने, तो क्या किया जाएगा। आदमी वही जो रहता है अपना पानी पी के रहो, न तो वही काली चाय पका के पी के रहो, क्या करेगा, कितने दिन पेट करेगा, जनता क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो जो कुछ करेगा नहीं। क्या ये नौबत आ गई कि आप लोगों को मांग कर खाना पड़ रहा है? तब क्या करें, भीख भी तो नहीं मिल रही है कि भीख कोई जनता देगा, सब तो वही में परेशान बना है। अधिकारियों द्वारा या किसी प्रधान द्वारा कोई भी कुछ भी आप लोगों की मदद के लिए नहीं कुछ किया? नहीं नहीं नहीं, कोई सामाजिक संस्था भी नहीं आई? नहीं, यानी जैसे आप लोग जी रही हैं बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। बस इसी में आदमी को वो हो रहा है कि किरोना के लिए काम मरा जाएगा, तो खाए बिना हम लोग मर जाएंगे, पेट में जब चारा ही नहीं रहेगा तो। अच्छा।